नया सर्फ एक्सेल, दाग तो अच्छे होते हैं। आपको बताएं कि बलोचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली में होटल के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाके से 2 बच्चे जहांगीर और 18 अफराद जख्मी हो गए हैं। बलोचिस्तान का इलाका डेरा मुराद जमाली जहां पर होटल के करीब रिमोट कंट्रोल बम से धमाका किया गया है और इससे 2 बच्चे जहांगीर हो गए हैं जबकि 18 अफराद इसमें जख्मी हुए। इस इलाके को पहले भी काफी बार टारगेट किया जा चुका है और इस बार बलोचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली में होटल के करीब टारगेट किया गया रिमोट कंट्रोल बम धमाका किया गया है जिससे 2 बच्चे जहांगीर हुए हैं और जख्मियों की तादाद जो है वो 18 बताई जा रही है। इस बारे में मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अयूब खोसा से। अयूब बताइएगा धमाके की नौयत के बारे में और इस वक्त क्या होते हाल इलाके की। जी, अब से कुछ देर पहले जो धमाका हुआ था डेरा मुराद जमाली शहर के अंदर, तो उसमें जो है दो बच्चे जो है जहांगीर हो गए थे और 18 अफराद जो है वो जख्मी हो गए थे। जख्मियों को सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल कर दिया गया है जबकि रिमोट कंट्रोल जो है बम जो मुस्तकिल में नसब था और जो है इसमें तकरीबन 2 से 3 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करने का बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बताया है जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो जगह पर मुआयना भी कर रहे हैं और बाकी जो है उनकी टीम भी जो है वो उस मकाम की तरफ भी रवाना हो चुकी है जबकि जो है इस वक्त तक जो आईनी शहरीन का कहना है कि ये टारगेट जो थी एक पुलिस मोबाइल वैन जो सिटी पुलिस थाने की थी और ये जो है प्रेस क्लब के सामने एहतजाज को कवर करने के बाद वापस पुलिस थाने की तरफ जा रही थी तो ये धमाका हुआ था। जी, आपका कहना है कि पुलिस को हदफ बनाया गया इस धमाके में। जी बिल्कुल, जो है आईनी शादीन के जो बता रहे हैं कि इसको टारगेट जो था वो पुलिस की मोबाइल आई थी। जी अच्छा, ये बताइएगा अयूब जख्मियों की हालत कैसी है, उन्हें कौन से हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, यहाँ पे करीबी कोई अस्पताल मौजूद है? जी, जख्मियों को जो है सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली में मुंतकिल कर दिया गया है जबकि इसमें जो है 5 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हैं जिनको जो है ना के अस्पतालों में लालकाना की अस्पताल और कोयटा की तरफ जानब जो है वो रवाना कर दिया गया है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दें कि कराची के इलाके गोलीमार से बोरी बंद 2 लाशें मिली है।